Assalamualaikum. Welcome back my YouTube family. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीनियर अदाकार कैसर खान निजमानी के बारे में. ये कौन है, क्या करते हैं, इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनकी अदाकारा बीवी, इनकी फैमिली, आइए आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करती हूँ. तो व्यूअर्स, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल मसाला न्यूज़ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिज़ से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें. तो व्यूअर्स, मैं बात कर रही थी कैसर खान निजमानी की. तो व्यूअर्स, ये हैंडसम से अदाकार पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं. ये 9 अगस्त 1965 को कराची में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 58 ईयर्स हो चुकी है. व्यूअर्स, बात करूं मैं इनकी मज़ीद फैमिली के बारे में, तो इनकी फैमिली जो है इनके पेरेंट्स में कोई भी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखता था और इन्होंने अपने शोबिज़ कैरियर के लिए काफ़ी स्ट्रगल की है. ना सिर्फ ये एक्टर हैं बल्कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और टॉप ड्रामास को भी डायरेक्ट कर चुकी हैं. व्यूअर्स, यहाँ मैं बात करती चलूँ इनके मैरिटल स्टेटस की, तो इनकी शादी 1998 में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा फजीला काजी के साथ हुई. व्यूअर्स, इनकी अहलिया भी इनकी तरह मशहूर अदाकारा हैं और बहुत से ड्रामास में ये साथ में भी नज़र आ रहे हैं और सेपरेटली भी दोनों काम कर चुके हैं. बात करूं मैं इनकी फैमिली में इनके मज़ीद बच्चों की, तो व्यूअर्स, इनकी कोई बेटी नहीं है बल्कि इनके दो बेटे हैं, अहमद निजमानी और जुरैन निजमानी. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिसेंटली इनके बड़े बेटे अहमद निजमानी की शादी से कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जिसमें ये कपल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, खुश भी और काफ़ी इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. व्यूअर्स, बात करूं यहाँ मैं कैसर खान निजमानी के शोबिज़ कैरियर की ड्रामास की, तो ये रिसेंटली ड्रामा मेरे बन जाओ, ड्रामा बेपनाह, ड्रामा बख्तावर, ड्रामा मैं ऐसी क्यों हूँ में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं. इसके अलावा ये 19s की मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं और ना सिर्फ एज ए एक्टर बल्कि डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं. बात करूं मैं यहाँ इनकी तालीमी काबिलियत की, तो व्यूअर्स, इन्होंने बैचलर्स कर रखा है वो भी फिल्म मेकिंग में और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो है पाकिस्तानी सिंधी ड्रामास में PTV पर ये पहली बार नज़र आए थे. बाद अज़ा इन्होंने डायरेक्शन शुरू की, प्रोडक्शन शुरू की और एज आ एक्टर भी इन्होंने कमाल कर दिया. तो व्यूअर्स, ये सीनियर अदाकार कैसर खान निजमानी आपको कैसे लगते हैं, इनकी अदाकारी आपको कैसी लगती है, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. तो मैं मिलूंगी किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ. अपना और अपने प्यारों का ढेरों सा ख्याल रखिएगा. मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ. अल्लाह निगेबान.